तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, तुम सिक्स सेमिस्टर भाई भाई मैंने कमी अच्छे पिले तो निश्चय बहुत बढ़िया से थी। तो देख पे तुम आज ईएमटी पेपर जो अच्छे कौन अच्छे तुम जो ईएमटी पेपर अच्छे तार जी यूनिट फोर विषय डिस्कसन करा क्या विषय तुम्हारे यूनिट फोर विषय डिस्कसन करा है। तो फर्स्ट टॉपिक तुम कौन अच्छे कौन पोलराइजेशन कौन अच्छे तुम कहे टॉपिक पोलराइजेशन है। तो पोलराइजेशन कौन तो विषय देखा तार एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखा। तो पोलराइजेशन कौन तो है देख पे तो सिंपली बुझ पोलराइजेशन कौन तो लाइट जितने कौन ट्रावेल करुच्छे लाइट जितने कौन करुच्छे पे तुम ट्रावेल करुच्छे तो तुम जान जो कौन लाइट को फॉर्म में ट्रावेल करे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बुझ पाला पे तो लाइट एज वेल एज कौन करुच्छे पे तुम को फॉर्म में ट्रावेल करुच्छे एज वेल एज तुम इलेक्ट्रिक आ प्लस तुम मैग्नेटिक वेव तो दुटा वेव र कम्बिनेशन तो लाइट ट्रावेल करुच्छे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये लाइट कौन करुच्छे दैट मीन सब डायरेक्शन को है। तो देख मुझे कहि तुम अनपोलराइज लाइट मतलब कौन लाइट तरह सब डायरेक्शन को ट्रावेल करुच्छे लाइट कौन करुच्छे बोले सब डायरेक्शन को ट्रावेल करुच्छे है। जब ये पॉइंट को सोर्स बोली कनसीडर करी तो लाइट कौन करुच्छे स्ट्रेट लाइन में ट्रावेल करुच्छे तो लाइट कौन ये पॉइंट रे सब डायरेक्शन को फ्लो करुच्छे कौन करुच्छे सब डायरेक्शन को कौन करुच्छे फ्लो करुच्छे है। तो या कहते अनपोलराइज लाइट अनपोलराइज लाइट मतलब कौन पे तुम लाइटा कौन करुच्छे ऑल डायरेक्शन को फ्लो करुच्छे कौन करुच्छे बोले ऑल डायरेक्शन को फ्लो करुच्छे है। आम एमती कन्वर्ट करवा जमी से गोटे यूनि डायरेक्शन गोटे पर्टिकुला डायरेक्शन को फ्लो कर गोटे पर्टिकुला डायरेक्शन को फ्लो करमती फ्लो कला बुझ पाला गोटे पर्टिकुला डायरेक्शन को फ्लो करा। तो यदि लाइट को कौन कर आम कनवर्ट करदेलु कौन रहा अनपोलराइज लाइट को कनवर्ट करदेलु कौन पोलराइजेशन को है। तो या कहते पोलराइजेशन ये प्रोसेस को कहते कौन पोलराइजेशन बुझ पाला पे ए टोटाल सिनारियो को आम कौन कहूँ पोलराइजेशन अफ लाइट बुझ पाला पे। तो लाइट कौन थी कौन टोटाल सब डायरेक्शन को फ्लो करुला सब डायरेक्शन को फ्लो करुला आम कौन कल गोटे स्पेसीफिक डायरेक्शन होगा आम चाहूँ कि लाइटा को गोटे स्पेसीफिक डायरेक्शन को फ्लो होगा। तो ये प्रोसेस को आम कौन कहूँ पोलराइजेशन है। तो देख कौन कही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएट विथ है। तो ये मुझे कहूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कथ कह तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब कौन बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज कौन रहा तुम मैग्नेटिक एटी आम क्या विषय डिटेल्स डिस्कसन कराया तुम ईएम कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विषय है। तो कौन कहते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएट विथ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर आ तुम जान इलेक्ट्रिक कौन जो ईएमटी कह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो कौन करुच्छे बोले तुम म्यूचुअल दुटा वेव अच्छे तो गोटे कौन करुच्छे गोटे जब एक्स एक्सेस चलो गोटे गोटे वाई डायरेक्शन में चलो गोटे एक्स एक्सेस चलो गोटे कौन वाई डायरेक्शन में चलो है। आ बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर कौन पे बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर ये ये डायरेक्शन जब कौन इलेक्ट्रिक वेव रो डायरेक्शन हम कौन तुम मैग्नेटिक वेव रो बुझे तो बोथ आर कौन परपेंडिकुलर टू इच अदर ठीक अच्छे। तो से कहे हुई चार म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर हुई चार म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर है। तो खाली निजक परपेंडिकुलर नुहति निज निज सहित परपेंडिकुलर नुहति एंड अल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव है कौ डायरेक्शन में फ्लो करुच्चे सहित भी से परपेंडिकुलर है कौ डायरेक्शन से फ्लो करुच्चे सहित भी परपेंडिकुलर है निज निज सहित भी परपेंडिकुलर एज वेल एज जो डायरेक्शन में फ्लो करुच्चे प्रति से परपेंडिकुलर। तो मन रखी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर है तो कौन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेक्टर वेक्टर मतलब डायरेक्शन हुई आर परपेंडिकुलर टू इच अदर तो निजे निज सहित कौन अच्छे से परपेंडिकुलर अच्छा एज वेल एज एंड अल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव तो वेव जो डायरेक्शन को प्रोपगेट करुच्चे वेवटा खुले ये डायरेक्शन को प्रोपगेट करुच्चे वेवटा ये डायरेक्शन को प्रोपगेट करुच्चे तेल मामले जब कह कौन कह तुम जब कौन कह तुम इलेक्ट्रिक वेव तो ये है तुम कौन कह मैग्नेटिक वेव है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर तो एमने जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये तुम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो डायरेक्शन में कौन होवटा प्रोपगेट कर डायरेक्शन ऑफ वेवटा कौन हो प्रोपगेट होता प्रति से परपेंडिकुलर हे बुझ पार है। दिस मीन्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर कैन हाव वेरियस डायरेक्शन इन वन प्लेन है कौन कही तो यू आम कौन जान लु है जेहेतु इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर ता सहित ये कहा तो परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सहित मतलब वेव सहित भी से परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन वेवटा फ्लो करुच्छे है भावन प्लेट रहा कौन इलेक्ट्रिक वेव रहा मैग्नेटिक वेव रहा तो ये प्रोपगेट करपेंडिकुलर तुम वेव सहित परपेंडिकुलर ठीक अच्छे। तो दिस मीन्स द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर मीन्स डायरेक्शन आर कैन हैव वेरियस डायरेक्शन विद इन वन प्लेन तो गोटे प्लेन से कौन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन शो करेंगे कहीं से कौन करेंगे भाव ये प्लेन तुम मूव करुच्छा प्लेन इमेजिन कर कि यहाँ तुम मूव करुच्छे है तो जो हिसाब से मूव कर तो इच पॉइंट तरह डायरेक्शन चेंज हो चलो इच पॉइंट तरह डायरेक्शन चेंज हो चलो है कि इच पॉइंट कौन हो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक वेव परपेंडिकुलर टू इच अदर रोथे है आने कौन जो वेव कौन अच्छे जो वेव अच्छे सहित परपेंडिकुलर रोथे ठीक अच्छे।
एबे नेक्स्ट आसा इट इज क्लियर फ्रॉम दैट देयर आर ए वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड कौन रहा तुम्हारा मैग्नेटिक वेव है which will be mutually perpendicular to each other, which will be mutually perpendicular to each other, and also perpendicular to the direction of propagation of wave. Hala? So, what do we know about this? The electric wave and the magnetic wave. That is called electromagnetic wave. So, if you are mutually perpendicular, then you have the direction of propagation. So, the propagation. कौन अच्छे परपेंडिकुलर अच्छे यही पॉइंट रहा यहाँ हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो ईच पॉइंट कौन हो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आसो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आसो है कि सब पॉइंट कौन हो पे ईच पॉइंट कौन हो पे इमेजिन कर ईच पॉइंट से निज निज प्रति परपेंडिकुलर थे सहित डायरेक्शन जो डायरेक्शन जाऊँच भी से कौन परपेंडिकुलर थे चलो तो पोलराइजेशन देखा पोलराइजेशन रिफर्स टू द फेनोमेना इन हुई oscillation of electric vector hala or magnetic vector associated with ordinary electromagnetic wave hala ordinary electromagnetic wave are restricted in just one direction bujhpala kon koila dekho in other word unpolarized can have the electric vector associated with the oscillating in any direction as their polarized light इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर ओसिलेट एलोंग द वन डायरेक्शन ओनली है तो देख पोलराइजेशन आम कितर कह इट इज द फेनोमेनन तो इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच द ओसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेव कौन कह ओसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर है तुम कहीपर एट जो कौन अच्छी इलेक्ट्रिक कौन रहा तुम इलेक्ट्रिक रहा आउ मैग्नेटिक रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौच तो इलेक्ट्रिक वेव रहा आउ मैग्नेटिक वेव रहा है तो पोलराइजेशन क्या कहुए कौन कहे इट इज द फेनोमेनन ऑफ ओसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर ओसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक तो सी जो कौन कर मूव करुला इलेक्ट्रिक कौन कर तुम कौन कर इलेक्ट्रिक वेक्टर आउ रहा कौन रहा मैग्नेटिक वेक्टर कि इलेक्ट्रिक वेव आउ कौन रहा मैग्नेटिक वेव जो से मूव करुए से कौन करुए मूव करुए ओसिलेट विथ डायरेक्शन ऑर्डिनरी कौन ओसिलेट विथ ऑर्डिनरी ईएम वेव आर रेस्ट्रिक्टेड इन वन डायरेक्शन है जितने देख पे तुम लाइट कौन अच्छे अनपोलराइज अच्छे कौन अच्छी पे अनपोलराइज अच्छे है तो सी सब डायरेक्शन को कौन कर स्प्रेड हो कौन कर सब डायरेक्शन को स्प्रेड होगा देख पार तो यहाँ गोटे सोर्स अफ कौन कह अनपोलराइज लाइट कह से सब डायरेक्शन को कौन कर फ्लो हो सब डायरेक्शन को फ्लो होमें चाहूँ कौन सी गोटे पर्टिकुला डायरेक्शन को फ्लो हो कौन गोटे पर्टिकुला डायरेक्शन को फ्लो हो मतलब आम जो बाकी डायरेक्शन गुड़ाक रेस्ट्रिक्ट करदे जमी देख पे मुझे कौन कहली पर्टिकुलर खाली यही डायरेक्शन में फ्लो है तुम कह वाई एक्सीस तो एलम खाली वाई एक्सीस फ्लो है मुझे ये एक्स एक्सीस गुड़ा कौन करी रेस्ट्रिक्ट करदेवी ये डायरेक्शन युवक कौन करदेवी पे रेस्ट्रिक्ट करदेवी है तो ही कहते पोलराइजेशन तो पोलराइजेशन मीनस कौन जो तुम कौन अच्छी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अच्छी तो सी कौन जो फर्म जो से अनपोलराइज फर्म अच्छी तो सी कौन कर डिफरेंट डिफरेंट सब डायरेक्शन को फ्लो होमें चाहिए कौन गोटे पर्टिकुला डायरेक्शन को सी फ्लो दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन है तो सी कौन कर पोलराइजेशन रिफर्स टू द फेनोमेनन इन व्हिच ओसिलेशन है जो कौन अच्छी इलेक्ट्रिक वेव को कि मैग्नेटिक वेव को सी कौन ओसिलेट हो कहीं से मूव करुच्चे ना गोटे जगह आउ गए जगह जाऊँच तो सी कौन हो ओसिलेट कर कौन कहे ओसिलेट कर इलेक्ट्रिक वेक्टर कह कि मैग्नेटिक वेक्टर कह एसोसिएट विथ ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रेस्ट्रिक्टेड इन जस्ट वन डायरेक्शन है जो से ओसिलेशन हो तो ओसिलेशन को आम गोटे खाली गोटे सिंगल डायरेक्शन कौन करदे फिक्स करदे आल्ग डायरेक्शन से ओसिलेट हो पार ना है तो कहते कौन पे तुम पोलराइजेशन बुझे पे इन अदर वर्ड अनपोलराइज्ड लाइट लाइट कैन हैव इलेक्ट्रिक वेक्टर एसोसिएट विथ ओसिलेशन इन एनी डायरेक्शन है कौन अच्छे गोटे अनपोलराइज्ड लाइट अच्छी से को भी डायरेक्शन सब डायरेक्शन को कौन कर से कौन ओसिलेट होगा सब डायरेक्शन को से कौन ओसिलेट होतु जो से कौन पोलराइज कन्वर्ट कर दूचु ताल ओसिलेट ओनली इन वन डायरेक्शन आम गोटे कौन पर्टिकुला डायरेक्शन को ओसिलेट हो बुझे से कौन गोटे पर्टिकुला डायरेक्शन को ओसिलेट हो जनरली ऑर्डिनरी एंड पोलराइज्ड आर रिप्रेजेंट है जनरली कौन कहते जनरली द ऑर्डिनरी और पोलराइज लाइट है तो ये तुम कौन अनपोलराइज लाइट कौन पे तुम अनपोलराइज लाइट है तो ये हूँ तुम पोलराइज लाइट बुझ पाला ये हूँ तुम पोलराइज लाइट है तो आम अनपोलराइज लाइट को ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो ये सब कौन रहा तुम कौन पे पोलराइज लाइट कौन पे तुम पोलराइज लाइट है तो ये आम कौन यही प्रोसेस आम कौन कर पोलराइजेशन प्रोसेस अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर बुझे तो फटाफट नोट डाउन कर दिए पे तो देख पे तुम बुझी जाइए पोलराइजेशन कौन तो गोटे छोटे डेफिनेशन लिखी दूसरी है जो एग्जाम पढ़ने तुम लिखि पार द फेनोमेनन ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन है
परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव है तो ये लाइट वेव जैसे ईएम वेव मध्ये लिख पारिबो इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव लिख पारिबो है पोलराइजेशन ऑफ कौन पले तुम ईएम वेव है तो देख पे यहाँ कौन कौन तुम अनपोलराइज्ड लाइट कौन रहा तुम अनपोलराइज्ड लाइट है तो पोलर कौन अच्छी सब डायरेक्शन को फ्लो करुच्छे कौन करुच्छे सब डायरेक्शन को फ्लो करुच्छे तो कौन होगा देख ये पोलराइज्ड होगा पोलर कौन होगा पोलराइज्ड होगा है तो पोलराइज्ड होगा देख ये गोटे गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन को फ्लो करुच्छे कौन कहे गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन को फ्लो करुच्छे तो ये आम कौन लिखो एनालाइजर लगे एनालाइजर कौन कर चेक कर लाइटा पोलराइजर हो ना ना कौन लाइटा पोलराइजेशन हो ना ना है तो ये चेक कर तो देख ये तुम पोलराइज लाइट ये कौन पे तुम पोलराइज लाइट बुझिपाल पे तो डायग्राम तुम आराम से लिखिपार है गोटे जिस मन रख टर्मालाइन क्रिस्टल आक्ट आज ए पोलराइजर है तो आम कौन नौ गोटे कौन नौ टर्मालाइन क्रिस्टल गोटे है से कावलिया बिहेव कर तुम पोलराइजर भाया जे कावलिया बिहेव कर पोलराइजर भाया है तो सीट जब मुझे पोलराइज लाइट को अनपोलराइज लाइट को रखुचु से कन्वर्ट करदे कौन पोलराइजेशन लाइट कि पोलराइजेशन ईएम वेव हिसाब से है तो देख बोले ये देख गोटे डायग्राम देख ये डायग्राम भितर डिफरेन्स कौन अच्छे बुझे दूसरी देख एपटे कौन हो लाइट को कौन कलु पोलराइज कलु तो यार डायरेक्शन देख ये टाइप डायरेक्शन अच्छी है तो यार डायरेक्शन देख ये एनालाइजर एनालाइजर डायरेक्शन देख सी भी सही टाइप अच्छी देखुछ तो ये भी कौन अच्छे से टाइप अच्छी यार डायरेक्शन देख यार डायरेक्शन देख सेम अच्छी तो कौन मिले आउटपुट में तुमको ये टाइप लाइट मिले पोलराइज्ड लाइट मिले है कि सेकंड केस रे देख कौन अच्छी पोलराइजेशन अच्छी कि एनालाइजर रखुच तार डायरेक्शन देख कौन अच्छे एमती अलग अच्छी तो एपटे किसी आमको लाइट मिले ना एपटे किसी सेपटे किसी आमको पोलराइज लाइट मिले ना बुझा पे कहीं यार डायरेक्शन आर डायरेक्शन देख दुटा अलग अलग अच्छी है एपटे देख ये जमी अच्छी ये भी सेमती अच्छी तो डीटो कौन आम पोलराइज लाइट मिले है कि यार डायरेक्शन आर डायरेक्शन कौन अच्छे अपोजिट अच्छे तो से किसी लाइट पोलराइज लाइट मिले ना है तो ये तुम फर्स्ट क्लास क्या विषय पे तुम पोलराइजेशन अफ लाइट विषय है तो या पर आम वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन विषय डिटेल्स पढ़ेगा तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।